जब भी हम आसन करते हैं तो हम एक बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि ये कब करना चाहिए। आसनों को हमेशा सबसे अच्छा टाइम रहता है सुबह का। आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि आपने मोशंस क्लियर किए हैं, पेट खाली है। अगर आपकी मोशंस क्लियर नहीं है तो आप रात को त्रिफला लेके गर्म पानी पीजिए या फिर सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पीजिए। उसके बाद में आसन की जगह जो होनी चाहिए वो कोई भी बहुत ही आरामदायक होनी चाहिए, वातावरण फ्री होना चाहिए। भले ही आप एक रूम में कर रहे हैं, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। आसन के समय आपको लूज और कॉटन के कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम देखते हैं पहला आसन जो कंडीशनिंग है, सुखासन। कई बार हमने देखा है कि लोग सुखासन में बैठते हैं, उस बदले उनका दुखासन हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि इसमें 3 से 5 मिनट तक आपको एक ही पोजीशन में बैठना होता है, तभी आप अपने मन को और शरीर को कंडीशन कर पाते हैं। यह आसन बहुत ही फायदेमंद है उनके लिए जो प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, या कभी किसी मीटिंग में जाना है, कभी स्पीकर बन के जाना है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको टेंशन क्रिएट होती है, तो आपको या तो आप चेयर पे बैठिए या तो नीचे बैठिए। वहाँ पर बैठ के बस थोड़ा सा आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान दीजिए, अपने आप को कंडीशन कर लेना। इसको कहते हैं सुखासन। तो आइए हम देखते हैं इसकी क्रिया क्या है। आप आराम से पहले बैठ जाइए ज़मीन पर, कम्प्लीटली रिलैक्स। अभी जैसे इंडियन सीटिंग में हम पलाथी मार के बैठते हैं, वैसे क्रॉस लेग पोजीशन में आपको बैठना है। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए, स्पाइन को एकदम इरेक्ट, हेड स्ट्रेट, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर्स एंड एल्बोज टोटली रिलैक्स्ड, फोकस इन द सेंटर एंड वेरी जेंटली क्लोज योर आइज। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, फिल योर ब्रेथ एट द टिप ऑफ योर नोस्ट्रिल्स, whether it is cool or warm. Now flow with your breath through your nostril, your windpipe, your lungs, your abdomen. Now exhale in the same way from abdomen, your lungs, windpipe and your nostril. Total flow with your breath. There may be lots of thoughts in your mind. Let it pass like a cloud. In this position, you can be for 3 minutes to 5 minutes. Just total relax. Feel that conditioning, that preparedness for the next task. जब आप ये आसन की प्रैक्टिस करते हैं, एक तो आपका पोस्चर सही होने में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें आपका स्पाइन स्ट्रेट रहता है। अब यहाँ पर आप जब क्रॉस लेग पोजिशन में बैठते हैं तो ब्लड का फ्लो एब्डोमिन की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, रुधिर का संचार अच्छी तरह से होने लगता है, और आपके मन की जो सुखासन में बैठने से शांति मिलती है, पूरी तरह से आप फोकस हो जाते हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। वेरी वेरी जेंटली ओपन योर आइज एंड रिलैक्स टोटली। अब ये जो आसन है, ये आसन जिनके घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है वो कुर्सी पे बैठ के करें, और जिन्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की शिकायत है या लो बीपी की शिकायत है वो थोड़ी देर के लिए करें। सुखासन
आपके मन और शरीर को स्वस्थ और शांत करता है। जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है उनके लिए यह आसन बहुत अच्छा है। उनका बीपी लो हो सकता है, लेकिन लो बीपी वालों के लिए यह आसन बहुत कम समय के लिए करना है। जब आप इस पोस्चर में लगातार बैठने की प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी कूप बिल्कुल नहीं निकलती है, मतलब आपका पोस्चर हमेशा सही रहता है। जब आप क्रॉस लेग में बैठते हैं तब आपकी थाइस, काफ मसल्स और नीज, एंकल्स में बहुत स्ट्रेंथ आ जाती है और मसल्स लचीले बनते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।